नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। इतिहास में 11 सितंबर का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सीने पर इस दिन हुए घातक आतंकी हमले ने एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस रहती दुनिया तक कायम रहेगी। आज इस हमले की 20वीं बरसी है और इस मौके पर राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्वीट कर अमेरिकियों को एक संदेश दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि 11 सितंबर 2001 के 20 साल बाद 2977 लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खो दिया। हम उन लोगों का सम्मान करते हैं, जैसा कि हमने आने वाले दिनों में देखा, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें बनाता है कि हम कौन हैं और हम इसे कभी नहीं भूल सकते। हालांकि ब्रिटेन ने तालिबान से वैसे ही हमले के खतरे का अंदेशा जताया है। ये चेतावनी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख के मैंकलन ने दी है। उन्होंने कहा कि तालिबान राज में आतंकवाद बढ़ सकता है, 9/11 जैसे आतंकी हमले फिर से हो सकते हैं। उत्तर भारत में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली में देर रात से गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं दिल्ली में रात से हो रही बारिश से सड़कों पर फिर से पानी भरने लगा है। ऐसे में दो तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक दिल्ली की और एक नोएडा की, जहाँ पर बारिश से जो जल जमाव है वो कई जगहों पर देखा जा सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आज पूरे दिन संभावना जताई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली NCR के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं शाम को दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो इन तस्वीरों से ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश थी और ऐसे में कई इलाकों में जो है पानी भर गया है। हालांकि जाम जैसी स्थिति भी कई जगह पर बन गई है। बस्ती जिले में अपराध मुक्त, भय मुक्त, स्वस्थ समाज का भले ही जिला प्रशासन दावा कर रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। दरअसल दलित पीड़ित परिवार ने प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह पर आरोप लगाया है कि गांव में दलित परिवार को घुसने नहीं दिया जा रहा है। प्रधान के प्रतिनिधि अरुण सिंह की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है कि दलित परिवार को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर दलित परिवार इधर उधर भटक रहा है। वहीं दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि हम लोगों को गांव में पानी पीने पर रोक लगा दिया गया है और हम लोगों का नल इंडिया मॉर्क हैंडपंप उखाड़ कर फेंक दिया गया है। साथ ही शौचालय पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं पूरे परिवार ने गांव से पलायन कर लिया है। बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। पूरा परिवार इधर उधर भटक रहा है, सड़क पर जीवन काटने को मजबूर है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की दर्जनों शिकायती पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यानी कि ग्राम प्रधान का आतंक जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और ऐसे में ग्राम प्रधान के आतंक से गाँव से परिवार जो है वो पलायन करने के लिए मजबूर है। ग्राम कुपवा थाना कोतवाली में पूर्व में दो पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से क्रॉस FIR दर्ज कराई गई थी और इसमें SC/ST एक्ट के तरफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। संज्ञान में आया है कि अभियुक्तगण जो है अभी बाहर आ गए हैं और गांव में रह रहे हैं। इसको लेकर के दोनों पक्षों में फिर वहाँ तनाव व्याप्त है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि गाँव का भ्रमण कर लें, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना वहाँ ना हो। सर, समस्या इतना है कि सर प्रधानी रंजित से जो हमारा विवाद हुआ 25 मई को, जिसके कारण हमें जेल भी काटना पड़ा बिना किसी मुद्दे के, हमारे घर पे चढ़ के मारे, और सर उतना तो ठीक हमें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। मेन मुद्दा सर हम उनका लड़ाई नहीं है, मेन मुद्दा है सर हम घर नहीं जा पा रहे हैं। हम सर कितने दिन रिश्तेदारी में रहे, कितने दिन हम भटके हैं, घर नहीं जा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? सर समस्या ही आ रही है कि घर नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है, प्लस कोई ऐसा रिश्तेदारी नहीं बचा है जहाँ हम लोग जाके आना चुके हैं। देखिए, प्रधानी रंजित से ये लोग मार किए, कहे कि अगर मैं जीतूँगा तो भी मारूँगा, हारूँगा तो भी मारूँगा, तो इसलिए हम लोग डर गए थे। तो दरवाजे पे चढ़ करके भानु प्रताप, विजय प्रताप और वो क्या नाम है अरुण प्रताप, ये तीनों लोग दरवाजे पे चढ़ कर पूरी तरह से मारपीट की हमारे,
और मारपीट हुआ, भगदड़ मचा, उसी में चोट हमारे जेठ जी को लगा, गंगाराम जी को, और काफ़ी चोटें लगीं। फिर बंदूक लेके दौड़ाने लगे, बंदूक लेके कायदे दौड़ाने लगे। ये चुनावी रंजिश लेके ये लोग मार झगड़ा किए हैं सर, और हम लोग गांव पे नहीं रह पा रहे हैं। बच्चे रहते हैं, जाने पे जो है गाली गुजरा देते हैं और कहते हैं फर्जी मुकदमे में इतना फंसाएंगे कि क्या बताएं। मारने पीटने की बात करते हैं, मारने पीटने का भी धमकी देते हैं, मारे पीटे हैं नहीं, मार झगड़ा हुआ, हम लोग जेल काट के आ चुके हैं सर। बच्चे छोटे छोटे हम लोगों का इधर उधर भटक रहे हैं, देखते हैं। किसी को घर में नहीं जाने, किसी को घर में नहीं जाने दे रहे हैं। कितने दिन से आप लोग बाहर? ये कम से कम 3 महीने हो चुके हैं सर। तो कहाँ रहते हैं? रिश्तेदार में इधर उधर रहते हैं सर, कहीं किसी रिश्तेदार के पास, कभी किसी रिश्तेदार के पास। बाराबंकी जिले के सफेदाबाद स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि लोगों के जीवन में जानलेवा परिस्थितियों को समझने और उनके प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही 11 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और हर साल इसके लिए एक विषय भी तय किया जाता है। इस साल का विषय है कार्रवाई के जरिए आशा का सृजन, जिसका सीधा सा अर्थ है कि समाज, परिवार या परिवेश में मौजूद हर व्यक्ति ऐसे लोगों को अपना समय और सहायता देने की सोच और संवेदनशीलता अपनाकर जीवन सहेजने में मददगार बन सकता है। आज हिंद मेडिकल कॉलेज में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स के साथ यहाँ के डॉक्टरों ने बात की और क्या कारण है जो 2019 के सर्वे में 4 मिनट में 1 मौत हो रही है, उस सारी बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ, बात हुई और उनको जो है जो यहाँ स्टूडेंट थे उनसे यहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर हैं, मानसिक रोग के डॉक्टर हैं, उन्होंने सारी जानकारी दी कि अगर डिप्रेशन में हैं या कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी बातें साझा करें और कोई मन में बात ना रखें। इसी सब बातों को लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ प्रोफेसर जेबी सिंह हैं, हम बात करेंगे सर किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो सर स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे। सर किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या यहाँ पर जो प्रमुख बातें थी जो स्टूडेंट्स को बताई गई? ये एक्चुअली उनके रोकथाम के बारे में उनको प्रोत्साहित करना और उनको अवेयरनेस प्रोग्राम था ये कि कैसे इसको रोका जा सकता है। तो उन्होंने एक स्टेप दिखाई कि एक चूँकि मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर एग्ज़ाम से सिस्टम ज़रा टफ होता है और पढ़ाई भी थोड़ी टफ है। उन्होंने ये दिखाया कि एक लड़की है जो एक बार फेल हो गई, उसको लड़कों ने, उसके क्लासमेट्स ने उसको उपेक्षा की, उसके बाद घर में उसके फादर ने उसको, पिताजी ने उसको काफ़ी डांट लगाई और कहा निकल जाओ, तुम्हारे पर इतना पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। फिर तब इन सब कारणों से वो लगती रही कि उपेक्षित है और उसने कोशिश की आत्महत्या करने के प्रयास किया, लेकिन समय से ही उसके पिताजी ने देख लिया और उसको रोक लिया। फिर उसको मानसिक डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने इसके बारे में, इसके निवारण के बारे में उसको बताया और बताया कि तब उनके दिमाग में लगा कि बच्चों को एज ए, उनको ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जब फ्रेंडली बात करते हैं तो वो अपनी बात को खुल के बताते हैं कि उनकी क्या समस्या है। और यही काम हम लोग यहाँ पर भी करते हैं, क्या नाम है, क्लासेस में अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत डिप्रेस नज़र आता है या चुप सा रहता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। सर अपने कॉलेज में, सर काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है अपना, सर कब से कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है बच्चों को जागरूक? तो हर वर्ष प्रोग्राम, तो ये तो हमारे यहाँ वर्ल्ड हेल्थ डे जैसे होता है, इसी तरह से WHO की तरफ से हमेशा एक थीम निकलती है। जैसे इसका थीम है कि अवेयरनेस होप क्रिएट करना अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, कैसे एक अवेयरनेस करें ताकि उसको ये एक उम्मीद बन जाए कि हम बच सकते हैं। तो हमारे साथ थे प्रोफेसर जेबी सिंह जो बता रहे थे आत्महत्या के रोकथाम के बारे में। हमें सब प्रोग्राम होता है, बच्चे होते हैं, डिप्रेशन होता है, इन्हें सभी बातों को लेकर जानकारी दे रहे थे। ब्रिटिश में प्रेम के साथ रविंद्र कुमार, न्यूज इंडिया, बाराबंकी।
आगरा में नाबालिग बच्चे का कारनामा देखने को मिला है, जहां रुनकता स्टेशन के बीच ट्रैक पर वीडियो बनाते समय चलती ट्रेन में बच्चे ने पथराव किया। बताया जा रहा है कि पथराव के दौरान ट्रेन के कोचों के शीशे भी टूट गए थे। वहीं आरपीएफ पुलिस ने 8 से 9 नाबालिग बच्चों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चे सेक्टर 11 के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले हैं। बरेली शीशगढ़ पुलिस ने व्यापारी महफूज की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक महफूज की हत्या उसकी दोस्त की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते हुई थी। पुलिस ने महफूज की हत्या के संबंध में उसके दोस्त शमशूल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, भूरा की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि घटना का वांछित शमशूल उर्फ भूरा कहीं भाग जाना चाहता है और वो ढकिया डाम तिराहे पर खड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने सूचना को सही मानते हुए मौके पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने मौके से शमशूल को गिरफ्तार कर लिया। थाना शीशगढ़ क्षेत्र में शीशगढ़ जाफरपुर रोड पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और उसके मोबाइल फोन भी सड़क पर पड़े हुए थे तथा उसकी एक मोटरसाइकिल भी सड़क पर पड़ी हुई थी। जो परिस्थितियाँ पूर्व में एक एक्सीडेंट की लग रही थी और उनके परिजनों ने भी एक्सीडेंट में शंका जाहिर होना बताया था, जिसके संदर्भ में थाना शीशगढ़ पर एक एक्सीडेंट का मुकदमा उसके मृतक के भाई की तरफ से पंजीकृत कराया गया था। लेकिन सुबह उन लोगों ने बताया कि उनको इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि ये हत्या हो सकती है और इस बारे में उन्होंने शक जाहिर किया। सांसद रवि किशन शुक्ला ने बहरामपुर, शेरपुर, चमराह, जंगल कोड़िया, डेमिनगढ़, मुहिया, डाबर और सहित कई बार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बता दें, सांसद ने लोगों की हर संभव मदद कराने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल निरीक्षण के दौरान सांसद ने कहा कि नदियों का जल स्तर कम हो रहा है और जिन क्षेत्रों में अभी भी समस्या है वहां राहत कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं और जल्द ही इन समस्याओं का निस्तारण कर लिया जाएगा। सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल जमाव से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी समस्या का जल्द संज्ञान लें। इसी के साथ ही सांसद ने कहा कि देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जनसेवा के लिए हर समय तैयार हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जहां लोगों को राहत दी, वहीं बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं के लिए भी सरकार तत्पर काम कर रही है। गोरखपुर में किसी भी आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 टीमें तैनात कर दी गई है। बता दें, जगह थाना क्षेत्र में एक युवक शौच के लिए गया था, जहां पर गहरे पानी में पैर फिसल कर डूबने से युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने उसे निकालने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। ऐसे में स्थानीय लोगों की सूचना पर जिला प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम भेज दी गई। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की तरफ से काफी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। आपको बताते चलें कि एनडीआरएफ की टीम गोरखपुर में जब से बाढ़ का कहर आया हुआ है, तब से हर बाढ़ प्रभावित जगहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। रेस्क्यू करने के दौरान एनडीआरएफ टीम के कमांडर सभाजीत यादव और सभी जवान मौजूद थे। हरदोई में भी डेंगू ने अपना डंक फैलाना शुरू कर दिया है। डेंगू की कई जगहों से कराई गई जांच में 7 सितंबर को 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और इसके बाद विभाग ने संबंधित गांवों में खास एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। बता दें, हरदोई जिले में अब डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बात की जाए तो अभी तक जिले में कोई मरीज सामने नहीं आया था, लेकिन जब गहराई से जाँच कराई गई तो सितंबर में 5 मरीज सामने आए हैं और ऐसे में जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र यादव के मुताबिक सीएससी पर लक्षणों के बाद इन सभी की जिला अस्पताल में जांच कराई गई तो डेंगू की पुष्टि हुई है। जिनमें से एक मरीज जिला अस्पताल में रहा, वो सांडी सीएससी क्षेत्र का रहने वाला था और जैसे ही मामले की जांच सामने आई तो जहां का रहने वाला है वहां टीम भेज दी गई। साथ ही छिड़काव कराया जा रहा है और अधिकांश केस ग्रामीण क्षेत्रों में ही है, जहां मलेरिया विभाग में डेंगू की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग और निरोधकात्मक गतिविधियां कराई जा रही है। इस पूरे मामले में सीएमओ डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी ने बताया कि जिले में जनवरी से अब तक 9 डेंगू के मरीज हैं जो ठीक हैं और सीएमओ ने कहा कि घरों की छतों पर टायर
बर्तनों में भी बारिश का पानी ना जमा होने दें और 4 से 6 दिन में कूलर का पानी बदलते रहें ताकि डेंगू के मच्छर जो हैं वो वहां पर ना पनपे। शामली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां पर करीब 1 दर्जन युवकों ने एक युवक को बीच सड़क पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। दरअसल युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका हाथ युवक के बराबर से निकलते वक्त एक युवक से लग गया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है। बीच सड़क पर युवकों की तरफ से युवक की पीट पीट कर हत्या करने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कल दिनांक 9/9/2021 को देर शाम आदर्श मंडी थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम समीर है उनका कुछ लोगों से पूर्व के ही विवाद से संबंधित एक झगड़ा हो गया है और उसमें उनको चोटें आई और उनको पुलिस के द्वारा बेहतर चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया था और वहाँ पर उनको बेहतर चिकित्सा के लिए मुजफ्फरनगर रेफर किया गया। मुजफ्फरनगर जाने के दौरान ही जो समीर हैं उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में रामराज होने की बात कर रही हो लेकिन अपराधियों के हौसलों के आगे पुलिस प्रशासन भी बेकाम साबित हो रही है। दरअसल कानपुर देहात में पुराने विवाद के चलते कुछ दबंगों ने अपने ही पड़ोसी के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, घर में घुसकर सारा सामान तोड़ दिया और महिलाओं के साथ भी मारपीट की। पीड़ित के घर के बाहर और घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की और ऐसे में फायरिंग का जो फुटेज है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जिसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अपराधियों की तलाश की जा रही है लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं पूरी तरह से। ये रिपोर्ट देखिए। गौर से देखिए इस नजारे को। देर रात घर से बाहर चल रही ताबड़तोड़ गोलियां रात के अंधेरे में दबंगों का तांडव देखने को मिला। लाठी और डंडों समेत कई राउंड दबंगों ने फायरिंग की। मामला कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र का है जहां देर रात आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने अपने ही पड़ोसी के ऊपर हमला बोल दिया। हमले में दबंगों ने पड़ोसी के घर का दरवाजा तोड़कर उसके घर में तांडव मचा दिया। महिलाओं बच्चों और पुरुषों समेत एक साथ सभी को बेरहमी से पीट दिया। भद्दी भद्दी गालियां दी गई और सड़कों पर दबंगों का नंगा नाच देखने को मिला। आप जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को जिसमें एक युवक घर के अंदर से गोलियां चलाते हुए और हाथों में कट्टा लहराकर फायरिंग कर रहा है। खुलेआम दबंगों की ये तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घंटों दबंगों ने पीड़ित के परिवार पर अपना कहर बरपाया। पीड़ित मोहम्मद निहाल दरअसल छोटे मोटे कारोबार से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसके माता पिता उसकी पत्नी और भाई एक साथ अपने घर में रहते हैं और कुछ दिनों पहले हुए पड़ोसी से विवाद के चलते दोनों ही पक्ष ने क्षेत्रीय पुलिस को विवाद की जानकारी दी थी जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों में समझौता कराकर मामले को रफा दफा कर दिया लेकिन दूसरा पक्ष उस विवाद को रंजिश मानकर आगे किसी घटना को अंजाम देने का इंतजार कर रहा था। थाना अकबरपुर के रनिया कस्बे में एक चिटिकपुर चौराहा है वहां पे दो पक्षों में कल शाम को पहले विवाद हुआ था, गाली गलौज होने की सूचना दिया था दोनों लोगों ने और उसके बाद देर रात को एक पक्ष ने फायरिंग की है और फायरिंग के साथ उसे घर में घुस के मारपीट का प्रयास किया जिसका वीडियो भी बना है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और नामजद अभियुक्तों के अलावा भी कुछ युवक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है और उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर क्या विवाद की कोई वजह सामने आई? नहीं, वो दोनों पड़ोसी हैं और दोनों पड़ोसियों में पहले भी गाली गलौज होने की सूचना मिली थी
और इसी क्रम में वो विवाद बढ़ करके वो रात को फायरिंग किया है एक पक्ष ने, और उसमें एक तरफा कार्रवाई एक पक्ष ने किया है और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देर रात दबंगों की दबंगई से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। लोग पूरी तरीके से दहशत में हैं और कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। खौफ इतना है कि लोग अपने घरों से निकलना भी नहीं चाहते। शायद जवान खोलने का खामियाजा वो देख चुके हैं। दबंगों ने इसका दर कहर बरपाया कि लोगों के दिलों में दहशत फैल गई है। जिले में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस जांच की डफली बजा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदेश में रामराज होने का दावा करने वाली सरकार क्या कर रही है। आखिर पुलिस का राज किस कदर अपराधियों के आगे कमजोर होता जा रहा है। अगर इसी तरीके से अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम देते रहे तो शायद रामराज की परिभाषा प्रदेश में बदल जाएगी। क्या अपराधियों का कद जिले में इतना बढ़ गया है कि पुलिस उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिर किसकी शह पर ये दबंग दबंगई कर रहे हैं। आखिर पुलिस क्यों इन बदमाशों के आगे मूक दर्शक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने अब इस पूरे मामले में नामजद FIR दर्ज कर ली है और अपराधियों की पकड़ के लिए टीमें भी गठित कर दी गई है। लेकिन कानपुर देहात की पुलिस घटना के इतने घंटों बाद भी अभी भी खाली हाथों ही नजर आ रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए कानपुर देहात से मनोज सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।